संयुक्त वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण इसमें क्या करेंगे अब हम, इसमें फिर उदाहरण लेते हैं संयुक्त के, कि हमें संयुक्त होंगे सरल वाक्य ही एक से अधिक, सरल वाक्य ही होंगे एक से अधिक, लेकिन हमें उसमें संयुक्त में बदलना है। और संयुक्त में हमें क्या करना है, दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में, दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में योजक चिन्हों से जोड़ने हैं, समुच्चय बोधक समानाधिकरण, समुच्चय बोधक समानाधिकरण अवयवों से जोड़ने हैं। देखिए दिन निकला, पहला वाक्य देख लेते हैं, अभी एक एक करके देख लेते हैं। दिन निकला एक वाक्य हो गया, पूरा अर्थ दे रहा है हमें, चिड़िया चहचाने लगी। अगला, चिड़िया चहचाने लगी, एक वाक्य हो गया। चेंज कर लेते हैं सीधा हम इसको, साथ के साथ क्या करेंगे, किससे जोड़ेंगे, ज्यों का त्यों भी इसको हम रख सकते हैं। कैसे, हमें तो योजक डालना है, बस पूर्ण विराम हटा देंगे। दिन निकला, ज्यों का त्यों लेंगे, दिन निकला और दिन निकला, यहां पर पूर्ण विराम की जगह योजक चिन्ह, निकला और, सिंपल बिल्कुल, बहुत ही आसान, चिड़िया चह चाहने, चिड़िया चह चाहने लगी, हो गया चेंज। क्योंकि उसमें तो हमें क्या करना था, सरल वाक्य में तो हमें पूर्वकालिक क्रिया ले लेनी थी, उन दिए गए वाक्यों में से कोई एक मुख्य क्रिया हमें चुन लेनी थी। इसमें क्या करना है, हमें स्वतंत्र वाक्यों को योजक के साथ जोड़ना है। यहाँ पूर्ण विराम की जगह हमने योजक का प्रयोग किया है, तो इसलिए हमारा ये संयुक्त वाक्य, देखो दिन निकला स्वतंत्र अपने आप में अर्थ दे रहा है, उस पर निर्भर नहीं है, चिड़िया चहचाने लगी वो भी इस पर निर्भर नहीं है, एक योजक के माध्यम से जुड़े हैं बस। अब देखिए, गली में शोर हुआ, सब लोग बाहर आ गए। अगला, गली में शोर हुआ, एक वाक्य, सब लोग बाहर आ गए। अब इसको बना देते हैं संश्लेषण वाक्य, साथ के साथ बना लेते हैं, साथ के साथ इसका कैसे संश्लेषण हो जाएगा, तो इसमें आएगा क्या करेंगे, और से ही जोड़ देंगे, गली में शोर हुआ इसलिए से जोड़ देंगे, ज्यों क्या तो यहां है हमारा, गली में शोर हुआ और सब लोग, ज्यों का त्यों आ जाएगा, बाहर आ गए। क्या आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा का पूरा वाक्य लिखेंगे, सब लोग बाहर आ गए, वो ज्यों का त्यों आप यहाँ पर अब लिख देंगे, सब लोग बाहर आ गए। ठीक है, तो इसको हमने केवल यहाँ पर क्या करना है, योजक से जोड़ना है। इसमें भी हमने योजक से जोड़ा, यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह, यहाँ भी पूर्ण विराम था, इसको भी हमने योजक से जोड़ दिया, बाकी ज्यों का त्यों रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह गया। एक वाक्य और देख लेते हैं, फिर हमारा संयुक्त वाक्य भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वाक्य हम देखते हैं, वह निर्धन है, वह ईमानदार है, वह निर्धन, वह निर्धन है, वह निर्धन है, वह ईमान दार है। यहाँ पे नियम क्या कहता है, दोनों को एक मानेंगे, तो संश्लेषण करते हैं, जोड़ते हैं इसका, एक बनाते हैं, वह निर्धन है यहाँ पे, परंतु, ठीक है, परंतु ईमानदार है, ईमानदार है, ये आपका था संयुक्त वाक्य का संश्लेषण।